गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सपना हेयर ऑन द बिहाफ ऑफ पैरामाउंट पब्लिक स्कूल। वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। इन दिस वीडियो बेटा, वी विल स्टार्ट चैप्टर 9, मेजरमेंट ऑफ मास वेट। लेट्स स्टार्ट। बाय वेइंग वी कैन फाइंड वेदर द ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम और डिफरेंट वेट्स। वी यूज बीम बैलेंस टू मेजर द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड दे हैव द डिफरेंट वेट्स, बट हाउ वी कैन वेट विद द हेल्प ऑफ बीम बैलेंस। लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड अदर ग्रोसरी आइटम्स। जब आप मार्केट में जाते हो वेजिटेबल लेने या कोई भी ग्रोसरी आइटम लेके लेने जाते हो, तो विद द हेल्प ऑफ बीम बैलेंस, दिस इज द पिक्चर ऑफ बीम बैलेंस, तो इसके साथ वो आपको वेट करके देता है जितना भी आपको चाहिए, जैसे 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम। तो विद द हेल्प ऑफ दिस बीम बैलेंस दे गिव द थिंग्स। अ बैलेंस हैज टू पैन्स। अब एक बैलेंस में टू पैन्स होते हैं। द पैन विद हैवियर ऑब्जेक्ट विल मूव डाउन। अब जिसमें ऑब्जेक्ट, जिस पैन में ज़्यादा वेट होगा वो डाउन हो जाएगा बेटा, जिसमें कम होगा वो अप हो जाएगा। एंड द पैन विद लाइटर ऑब्जेक्ट विल मूव अप। फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉटल इज हैवियर देन मोबाइल फोन। अब वाटर बॉटल का वेट ज़्यादा है वो डाउन होगी, और जिस पैन में मोबाइल फोन है उसका वेट कम है वो अप हो गया। इट मीन्स दे हैव डिफरेंट वेट्स। वाटर बॉटल हैज हैवियर देन मोबाइल फोन। टेक वन मोर एग्जाम्पल, ऑरेंजेस आर हैवियर देन टेडी बियर। अब ऑरेंजेस वाला पैन वो डाउन है, टेडी बियर वाला अप है। इट मीन्स ऑरेंजेस हैज मोर वेट एज कम्पेयर टू टेडी बियर। नेक्स्ट इज, टू मेजर द वेट ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट वी प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑन वन पैन एंड द अदर पैन एंड द वेट्स आर प्लेस्ड टिल द टू पैन्स आर ऑफ द सेम लेवल। अब हम उसको अपने वे इक्वल करने हैं, जब वे इक्वल करने हैं तो जो पैन है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। हम उस तरफ जो ऑब्जेक्ट है और ऐड करते जाएंगे जब तक दोनों का वेट इक्वल आए। किस तरफ ऐड करेंगे? जिस तरफ लाइट होगा। द वेट ऑफ द पैन इज इक्वल टू 3 स्ट्रॉबेरीज। अब दोनों इक्वल है, इट मीन्स जो पैन का वेट है वो किसके बराबर है? 3 स्ट्रॉबेरीज के बराबर है। पहले हमने 1 स्ट्रॉबेरी डाली, देन 2, तो देन 3। अब दोनों पैन क्या हो गए? इक्वल हो गए। नेक्स्ट, द वेट ऑफ द टैडी इज इक्वल टू 4 बनाना। सिमिलरली, अब वेट है टैडी बियर का इक्वल करने के लिए हमें कितने बनाना चाहिए? 4 बनाना। लेट्स स्टार्ट बेटा एक्सरसाइज 1। पुट ए टिक मार्क फॉर द हैवियर पैन। अब इसमें आपने जो हैवियर पैन है उसके ऊपर टिक लगाना है। अब हैवियर पैन कौन सा होगा? जो डाउन होगा। अब इस फर्स्ट पिक्चर में डाउन कौन सा है? दिस वन। Then tick it here. In this picture, this one is down. Tick it here. In this picture, this pen is down. Tick here. In this picture, this pen is down. It means this one is heavier. So similarly, you do these examples. B part light, L for light and H for heavy. अब जो heavy है उसके लिए आपने H लिखना है और जो light है उसके लिए L लिखना है। अब जो डाउन है, दैट वन इज हैवी, उसके लिए आप एच लिखोगे। अब दिस वन इज डाउन, राइट एच। दिस वन इज अप, राइट एल। सिमिलरली, अब ये अप है, राइट एल, और इस ये डाउन है, दिस तो राइट एच। दिस वन इज डाउन, राइट एच। दिस वन इज अप, राइट एल। डू इट अनदर एग्जाम्पल योर सेल्फ। नेक्स्ट सी इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब 4 क्रेयॉन्स वेज द सेम। अब 4 क्रेयॉन्स का वेज सेम, कितने शार्पनर्स डाल के हुए बेटा? 3 शार्पनर्स। जब उसमें 3 शार्पनर्स डाल दिए तो दोनों का वे सेम हो गया। तो यू काउंट द शार्पनर्स। अ डस्टर वेज द सेम एज डैश टॉफीज। अब एक डस्टर का वेट कितना है? कितनी टॉफीज इसमें ऐड की? 5 टॉफीज। नेक्स्ट इज, अ पेंसिल बॉक्स वेज सेम एज डैश एप्पल्स। अब पेंसिल बॉक्स का वेज सेम करने के लिए हमें कितने एप्पल्स डाले? उसमें 2 एप्पल्स। वेट ऑफ द ज्योमेट्री बॉक्स इज डैश ऑरेंजेस। अब ज्योमेट्री बॉक्स का वेट सेम करने के लिए हमने कितने ऑरेंजेस डाले? 3 ऑरेंजेस। नेक्स्ट है बेटा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट। अब स्टैंडर्ड यूनिट वेट का बेटा किलोग्राम होता है।
द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन किलोग्राम, और किलोग्राम इज अ स्टैंडर्ड यूनिट. सम क्वांटिटीज आर मेजर्ड इन ग्राम्स. अब कुछ जो स्मॉल क्वांटिटीज होती है, कम होती है, तो उसको हम ग्राम में मेजर करते हैं. किलोग्राम इज अ बिगर यूनिट एंड ग्राम इज अ स्मॉलर यूनिट. अ किलोग्राम हैज 1000 grams. एक किलोग्राम में बेटा कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 grams होते हैं. किलोग्राम इज रिटन एज केजी इन शॉर्ट. शॉर्ट में हम इसको केजी लिख देते हैं, पूरा किलोग्राम लिखने की जगह. 5 kilogram इज रिटन एज 5 kg. ग्राम इज रिटन एज जी. अब ग्राम को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं बेटा? जी. 10 grams इज रिटन एज 10 g. 200 grams इज रिटन एज 200 g. दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वेट्स बेटा. कॉमनली यूज वेट 5 grams, 10 grams, 20 grams, 50 grams, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg. नेक्स्ट इज 500 grams. अब उसको कितने में डिवाइड कर दिया? 1, 2, 3, 4, 5. अब हमें 500 grams बनाने के लिए 100 grams के कितने वेट चाहिए? 5. तो 500 grams वे मेक 500 grams. सिमिलरली 1 kg के लिए 500 के कितने चाहिए? 2. तो 2 500 grams वेट मेक 1 kg. सिमिलरली 5 200 grams वेट्स मेक 1 kg. अब 200 grams के लिए, 1 kg के लिए 200 grams कितने चाहिए हमें? 5. लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2. फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस. वेट ऑफ द बनाना इज डैश ग्राम. अब इधर वेट रखा हुआ है बेटा, इधर बनाना, तो एक बनाना का वेट कितना है? 50 grams. वेट ऑफ द बॉल इज डैश ग्राम. अब एक बॉल का कितना वेट है बेटा? 200 grams. द वेट ऑफ द केक इज डैश kg. अब एक केक का वेट कितना है? 1 kg. इधर कितना वेट बढ़ा है हमारा? 1 kg. नेक्स्ट इज वेट ऑफ द कप इज डैश ग्राम. अब एक कप का वेट कितना है बेटा? 100 grams. द वेट ऑफ द स्ट्रॉबेरी इज डैश ग्राम, 20 grams. द वेट ऑफ द बुक इज डैश ग्राम, 200 grams. सिमिलरली यू राइट द वेट ऑफ द ईच ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो.